प्रियंका जी पे कमलनाथ जी पे अरुण यादव जी पे मुकदमा लगाना, युवराज जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी सरकार 50% कमीशन की सरकार है। 280 करप्ट अधिकारियों पर युवराज जी अनुमति नहीं दे रहे हैं इस बात की कि उन पर मुकदमा चले, यानी वो करप्ट अधिकारियों को प्रशय दे रहे हैं, उन पर सरकार का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये एहसास कराता है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का आकलन करके एनसीआरबी के आंकड़ों में झुका वो देश के सामने है, वो भी बार बार चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि सबसे करप्ट राज्य हमारा है। जब 225 घपले और घोटाले यहाँ हुए तो ये बिना सरकार के सानिध्य के तो संभव नहीं है। तो ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाँ हम 50% कमीशन की सरकार है। आप देखो एक अधिकारी माइक पे बोलता है कि मुझे मंत्री को 2 लाख रुपए पहुंचाने पड़ते हैं, मैं क्या करूं, लेना पड़ता है। ये क्या एहसास कराता है कि जिस प्रदेश में एक मंत्री को 100 एकड़ जमीन दान में मिल गई, इसका मतलब है कि कमीशन भर पल्ले है। तो आप सब हम सब इस बात का एहसास करें, मध्य प्रदेश के जागरूक नागरिक भी इस बात का एहसास करें कि प्रियंका जी कमलनाथ पर मुकदमा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम करप्ट तो है पर हमें कहो मत नहीं तो जेल भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहेगी, मध्य प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला के कहेगी कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है, और देखेंगे भेजेंगे जाएंगे, पर चिल्ला चिल्ला के 50% कमीशन के इनके भ्रष्टाचार को जनता तक लेके जाएंगे। मैंने तो पत्र की बात के साथ एविडेंस की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एनसीआरबी के आंकड़े में हमारे राज्य को करप्ट बताया है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी पे एफआईआर होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने पत्र लिखा जो पब्लिक डोमेन में है शिवराज जी के नाम कि चेक जितने भी बॉर्डर पे है परिवहन विभाग से पैसे अद्भुत वसूले जा रहे हैं, नितिन गडकरी पे केस कराएंगे। कि मैंने जैसा कहा 280 करप्ट अधिकारी हैं, ये अपने आप में एविडेंस है। लोकायुक्त ने कहा ये करप्ट है, तो शिवराज जी ने इतने सालों से अनुमति उन पर मुकदमा चलाने क्यों नहीं दी, यानी शिवराज जी स्वीकार कर रहे हैं इन करप्ट लोगों का मैं संरक्षण करूंगा, ये अपने आप में चिल्लाते हैं। इसमें क्या पत्र का